उठा कर ले आता है, जिसको खाने के लिए नहीं है उसको जेल भेजा जाता है, मुंह में ताड़ी दारू लगाकर उसको क्या किया जाता है, पॉइंट बनाया जाता है। और रोज का यही रवैया है, 20 गो 25 गो 30 गो 50 50 गो उठा कर ले आता है, रिक्शा ठेला वाला को जो रोड पर चल रहा है, घर में से निकल रहा है, उसको पकड़ कर मैंने गाड़ी में बैठा लिया जाता है, हम लोग से भी करवाया जाता है। क्या वहाँ दारू बाकी में बेचा जाता है? दारू तो रास्ते में बिक जाता है, रास्ते में यहाँ से बेचता है, थाना पर बेचता है, वो अपने स्टाफ से बेचवाता है। जब हम लोग रेड में जाते हैं तो चुलाई पकड़ाता है, तो पीने वाला भी पकड़ाता है, तो पीने वाला को जेल पकड़ कर रख लिया जाता है, बेचने वाला को जो है 40,000, 50,000, 20,000 रुपया लेकर के रास्ते में छोड़ दिया जाता है। और 10 कार्टून 20 कार्टून दारू पकड़ाता है तो यहाँ रखता है लोग अपने स्टाफ से जो चोरी करके रात में बेचवाता है। दारू कैसे बिहार में बंद होगा? खुद स्टाफ जो है काला बाजारी करता है, दारू छापता है और बेचता है, वो क्या बंद होगा बिहार में? दारू जितने जो है सब डकैत है, वहाँ डकैती करता है, बड़े बड़े माफिया से 10 लाख 5 लाख रुपया लेकर के और उसको तरक सेलिंग होता है। आप जो आरोप लगा रहे हैं दारू को लेकर, आपका कार्रवाई भी कर देगा बड़े पदाधिकारी? कर देगा, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, हम लोग सच्चा आदमी है, सच्चा बात तो बोलवे करेंगे। क्या परिचय हुआ अपना? मेरा नाम सिद्धि सैनी है, जो मैं रेड करके सवेरे में आया हूँ और मेरा जो हालांकि सबको गरियाया है और हम लोग का नाम उसमें जो चुन चुन कर डाल दिया है कि हम लोग पर रिपोर्ट लगाया है कि लोग गाली गलत कर रहा है, गाली जब आता है, जब आता है तब गाली बोल रहे थे कि क्या तुमको पोषण तक क्या लगा दे, बार बार होता है, महिला से को भी गाड़ी जाती है, जेंट्स को भी गाड़ी पड़ता है, बहुत बुरी समस्या, बहन मेतारी को गाड़ी पड़ता है, कितना बर्दाश्त करेंगे हम लोग? पहले भी कभी बाटाबाटी हुआ है आप लोगों का? कई बार हुआ है, पहले भी हुआ है, पूरे होम गार्ड शब्द माने किए थे जी? नहीं, लिखित अभी शिकायत उकायत किए हैं आप लोग? लिखित में रखे हुए हैं, रखे हुए हैं। अब अभी आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं अभी गेट पर? जी नहीं, हम लोग आए मिलने, हम लोग डीएम साहब का फोर्स है, हम लोग साथ गलती हुआ है तो हम लोग तो कुछ कहबे करेंगे, डीएम साहब से मिलने आए हैं, देंगे डीएम साहब से मिलने आए हैं। अच्छा, अपना परिचय बताइए फिर से एक बार। शिवजी सहनी, होमगार्ड जवान है जी। अच्छा, ये जो अभी अभी जो झंझट हुआ है उसमें एक ही पदाधिकारी है खाली करते हैं कि और लोग ना? और लोग और उसी जगह इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ हम से बात करते हैं, वही जो सुपरिटेंडेंट है, वही सुपरिटेंडेंट जो है उसका शिष्टाचार इतना बढ़िया है।